नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ अहम खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां। देश भर के साथ मुंबई में भी 75वां गणतंत्र दिवस हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों व स्कूलों में ध्वजारोहण के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों कार्यालयों एवं निजी प्रतिष्ठानों में भी देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराकर राष्ट्रगान करते हुए लोगों ने मिष्ठान वितरित किया गया। मुंबई सायन कोलीवाड़ा के आमदार कैप्टन तमिल सेल्वनर ने सबसे पहले अपने कार्यालय पर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में झंडारोहण किया। उसके बाद अपने विधानसभा में अलग अलग वार्डों में झंडारोहण किया। उसके बाद पूरे विधानसभा में मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली से पूरे विधानसभा में राष्ट्रभक्ति की धूम मची रही। पूरा विधानसभा देशभक्ति के रंग से सराबोर नजर आ रहा है। इस 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर जहां सरकारी भवनों को सजाया गया है, वहीं निजी घरों पर भी तिरंगा ध्वज लहराए गए। इस दौरान सायन कोलीवाड़ा के आमदार कैप्टन तमिल सेल्वनर का जगह जगह स्वागत किया गया। इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश विनती, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9594992। धन्यवाद, नमस्कार।